Hello everyone, welcome to class number 67 of the chapter Programming Using C++. So, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज के क्लास में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ प्रोग्राम के एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस. सो आज के क्लास का फर्स्ट प्रोग्राम का क्वेश्चन हमारा है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ यूजिंग क्लास टू एक्सेप्ट द नेम, रोल नंबर एंड मार्क ऑफ ए स्टूडेंट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देम एज आउटपुट. हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके, जहाँ पे हमें क्या करना है, क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टूडेंट का नेम, रोल एंड मार्क यूजर से एज ए इनपुट लेना है एंड उसको एज ए आउटपुट हमें क्या करना है, यूजर को डिस्प्ले करना है. ओके, तो चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे लिखेंगे देखते हैं. तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, टर्बो C++. तो मैंने यहाँ पे ओपन किया टर्बो C++. टर्बो C++ को ओपन करने के बाद कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड 3 प्रोसेसर से. तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड 3 प्रोसेसर एंड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को पहले प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे. फिर हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड 3 प्रोसेसर फिर से एंड कोनियो हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे. फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करना है, हमें एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करना है और जिस क्लास में मुझे यूजर से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम, रोल एंड मार्क, ये तीन डाटा मेंबर यूज करके तीन वैल्यू यूजर से लेने हैं. तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे और यूजर को आउटपुट प्रिंट करने के लिए और एक फंक्शन यूज करेंगे. मतलब दो मेंबर फंक्शन हम यूज करेंगे एंड तीन डाटा मेंबर यूज करेंगे. किस क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर. तो एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास स्टूडेंट. तो स्टूडेंट का क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया जिसके अंदर मुझे डाटा मेंबर क्या क्या लेना है. कोई भी डाटा मेंबर जब भी आप डिक्लेयर करते हो उसको प्राइवेट सेक्शन में ही डिक्लेयर करो. ये जबकि अच्छा हैबिट है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है पढ़ते वक्त. ओके, तो मुझे तीन डाटा मेंबर चाहिए. फर्स्ट डाटा मेंबर नेम को स्टोर करके रखने के लिए, नेम एक कैरेक्टर वैल्यू है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैर डाटा टाइप एंड डिक्लेयर करेंगे नेम. उसके बाद रोल नंबर इंटीजर वैल्यू हम लेंगे रोल नंबर के लिए, इसीलिए इंट रोल. फिर मार्क, मार्क जबकि पॉइंट वैल्यू हो सकता है तो फ्लोट, फ्लोट मार्क. ओके, जितना भी हमें डाटा मेंबर लेना था हमने ले लिया. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे मेंबर फंक्शन को. सो फर्स्ट मेंबर फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे, यूजर से वैल्यूज इनपुट के हिसाब से लेने के लिए. मीन्स टू पुट द डाटा, यूजर डाटा पुट करे उसके लिए एक फंक्शन लेंगे void put data. ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर यूजर को अलाउ करेंगे वैल्यूज इनपुट करने के लिए. तो यूजर को पहले मैसेज दिखाएंगे cout enter name, पहले नेम एंटर करो यूजर को बोलेंगे. ओके, cin, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको कहां पे स्टोर करेंगे, नेम वेरिएबल में, नेम डाटा मेंबर में. फिर यहां पे फिर से यूज करेंगे cout, यूजर को फिर से मैसेज दिखाएंगे एंटर रोल, रोल नंबर एंटर करो. तो जो रोल नंबर इनपुट करेगा यूजर उसको कहां पे स्टोर करेंगे, रोल डाटा मेंबर में. फिर यहां पे फिर से मैसेज दिखाएंगे एंटर मार्क, मार्क एंटर करो, यूजर को मैसेज दिखाएंगे. फिर जो भी डाटा यूजर इनपुट करेगा उसको स्टोर करके रखेंगे मार्क डाटा मेंबर में. तो यूजर से हमने डाटा ले लिया, यूजर से डाटा लेने के बाद फिर से यूज करेंगे और एक मेंबर फंक्शन गेट डाटा, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर के द्वारा इनपुट किया गया डाटा को उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज ए आउटपुट हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. तो एज आउटपुट प्रिंट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, सी आउट. तो यहाँ पे यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे सपोज नेम, तो नेम किस में स्टोर है, नेम डाटा मेंबर में. फिर मुझे क्या करना है, इक्वल स्पेस प्रोवाइड करके वही सेम लाइन में दिखाना है. तो इक्वल स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, backslash t, कैरेक्टर कांस्टेंट. ओके, उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, रोल, रोल, रोल किस में स्टोर्ड है, रोल डाटा मेंबर में. फिर मुझे क्या दिखाना है, इक्वल स्पेस प्रोवाइड करके नेम रोल देन मार्क. ओके, तो मार्क किस में स्टोर्ड है, मार्क डाटा मेंबर में. खत्म, गेट डाटा का काम खत्म. पुट डाटा फंक्शन को यूज करके हमने यूजर को अलाउ किया डाटा को पुट करने के लिए, गेट डाटा फंक्शन यूज करके हमने यूजर को डाटा एज आउटपुट प्रोवाइड किया. ये तो एक पर्टिकुलर क्लास का काम खत्म हो गया. तो क्लास को यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. क्लास के अंदर जो भी डाटा मेंबर, जो भी मेंबर फंक्शन हमें यूज करना था हमने यूज कर लिया. अभी हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे.
मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दिया एस, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। उस एस ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने पहले पुट डाटा फंक्शन को कॉल किया। किसको कॉल किया मैंने? पुट डाटा फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो पुट डाटा फंक्शन को कॉल करूंगा मतलब क्या, पुट डाटा फंक्शन यूजर से पहले डाटा को मांगेगा, यूजर को डाटा इनपुट करने के लिए बोलेगा। यूजर डाटा इनपुट कर लेने के बाद फिर हम वही सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके क्या करेंगे, गेट डाटा फंक्शन को कॉल करेंगे उस पर्टिकुलर डाटा जो भी यूजर ने इनपुट किया उसको एज आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो जबकि हमने कोनियो हेडर फाइल को यूज किया है तो यहाँ पे यूज करेंगे सी एल आर एस सी आर फंक्शन एंड यहाँ पे यूज करेंगे लास्ट में गेट सी एच फंक्शन। ओके, फिर मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम खत्म। तो कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं कैसे, उसको हम सेव करते हैं बाय यूजिंग डॉट सीपीपी एक्सटेंशन। कोई भी सी प्रोग्राम को हम कैसे सेव कर देते हैं, बाय यूजिंग डॉट सी एक्सटेंशन। कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम कैसे सेव करते हैं, बाय यूजिंग डॉट सीपीपी एक्सटेंशन। सीपीपी मींस सी प्लस प्लस। ओके, तो क्लास का नाम हम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। मैं सपोज क्लास का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट वन। ओके, एक ही स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिखाना है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट वन। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, एरर्स दिखा रहे हैं, क्या क्या एरर दिखा रहे देख सकते हैं। ओ, यहाँ पे हमने जो हेडर फाइल टाइप किया है बाय मिस्टेकली आयो स्ट्रीम के जगह पे आयो स्ट्री हो गया है। ओके, आयो स्ट्रीम। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं फिर से, कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है। अब इसको रन करके देखते हैं, मांग रहा है एंटर नेम, नेम सपोज एंटर कर रहे ए बी सी, रोल नंबर वन, मार्क 89। तो दिखा रहे नेम रोल मार्क दिखा रहे हैं। तो पता चला कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्लास, जिस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यूजर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास क्रिएट करके यूजर का नेम रोल एंड मार्क यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको एज आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो पता चला। तो अभी हम देखते हैं और एक नया एग्जाम्पल, और नया एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल हमने अभी जो डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस यूजिंग क्लास टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देम एज एन आउटपुट। तो जैसे कि हमने स्टूडेंट का नेम रोल एंड मार्क लिया यूजर से, उसको एज आउटपुट प्रिंट किया, वैसे ही आपको इस प्रोग्राम को भी खुद से करना है, जहां पे आपको एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करना है जहां पे आपको तीन ठो डाटा मेंबर लेना है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड एड्रेस, और दो फंक्शंस, दो मेंबर फंक्शंस लेने हैं, पुट डाटा एंड गेट डाटा। पुट डाटा फंक्शन यूज करके यूजर से इनपुट लेना है, गेट डाटा फंक्शन यूज करके यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करना है। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेन फंक्शन के अंदर एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके दोनों फंक्शंस को कॉल करना है, तब जाके वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा और जिस तरह का आउटपुट हम चाहते हैं उस तरह का आउटपुट वो हमें इजिली प्रोवाइड कर लेगा। वैसे ही और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, और एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है। और एक क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस यूजिंग क्लास टू एक्सेप्ट द मोबाइल नेम एंड प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन। एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन का मोबाइल नेम एंड प्राइस यूजर से इनपुट के हिसाब से लेना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड उसको एज ए आउटपुट प्रिंट करना है। तो ये जो दो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बताया, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके दिखाया, वैसे ही इन दोनों क्वेश्चन को भी सिमिलर वे में पूरा एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रोग्राम को लिखना है और कोशिश करके देखना है कि आपसे ये दोनों प्रोग्राम्स हो पा रहा है या नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।